इब्राहिम आर्मी, तो कैसे यार आप सभी लोग, सो आ चुके एक और गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। और यार आज की जो मैच है यार पूरी की पूरी इम्पॉसिबल थी यार। मैं सोचा नहीं था कि भाई ये मैच में जीत पाऊंगा, लेकिन यार जैसे तैसे जीत जाता हूँ मैच, क्योंकि यार मरते मरते बचा था इस मैच में। अब देखो यार फिलहाल तो हम लोग उतर रहे हैं स्टेडियम पे, और जैसे मैं स्टेडियम पे उतरता हूँ बंदे को मेरे से पहले गन मिल जाता है, तो देखो यार मेरे पीछे लग जाता है ये बंदा। तो यार ये बंदा मेरे पीछे लग जाता है, मैं जैसे तैसे जान बचाते हुए इधर आ जाता हूँ। और यार यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पिस्टल मिलता है और यहाँ पे एक बंदा भी मिल जाता है। अब यार इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन यार पीछे से वो वाला बंदा फिर से आ जाता है। और यार जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को एक हेल्थ किट मिल जाता है, मेरा लक देख सकते हो। और यार मैं यहाँ पे हेल्थ किट लगाने लगता हूँ, तभी वो पीछे से बंदा फिर से आ जाता है और यार मेरे पे फायरिंग भी करने लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो यार ऐसी कंडीशन थी कि भाई सामने से भी बंदा आ रहा था, पीछे से भी बंदा आ रहा था, जैसे तैसे मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और यार यहाँ पे बचने के बाद से मैं सीधा फिर से इधर अंदर घुस जाता हूँ और भाई यहाँ पे गन ले लेता हूँ यहाँ से। और यार देखना यार इनकी पेटी कैसे बनाता हूँ मैं। तो यार यहाँ पे मेरे को दो AK मिल जाता है, तो यार कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मेरा। अब देखो तो एक बंदे को नॉक करता हूँ, तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है, तो इसको मैंने डैमेज दे रखा था, तो भाई सीधा पुश कर देता हूँ। और देखो और यार इन दोनों की पेटी बना देते हैं हम लोग। अब यार इनकी पेटी बनाने के बाद से यार इनको फटाफट से लूट लेते हैं। एंड जैसे मैं लूट ही रहा था, एक भैया यहाँ पे एक बोट भैया आ जाते हैं, इनको भी निपटा देते हैं फटाक से। तो यार बोट भैया को निपटाने के बाद से मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ जा ही रहा था कि यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से फायरिंग हो रही थी, और यहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ इससे गाड़ी से मार दूंगा, लेकिन यार थोड़ा सा बच जाता है। अब क्या ही बोल सकते हैं यार, फिर से यार मेरा पे यहाँ पे गाड़ी मुड़ जाती है और फिर से बच जाता है भाई। थोड़ा सा लगता है लेकिन बच कर, पता नहीं कैसे बच जाता है ये। तो यहाँ पे इसका टीममेट भी आ गया था, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तुरंत। और यहाँ पे यार मेरा हेल्थ पूरा हाफ हो जाता है भाई, तो यहाँ पे आके मैं तुरंत यहाँ पे हेल्थ लगाने लगता हूँ, तब ये बंदे पुश कर देते मेरे ऊपर। तो यार यहाँ पे मेरा दोनों गन रिलोडिंग पे आ गया था, और यार मैं 1 HP बचा था, तो यहाँ पे हिल लगाते हुए मैं ऊपर आ जाता हूँ। और भाई जैसे देखो हिल लगा लेता हूँ, उसके बाद से देखो इनको कैसे निपटाता हूँ मैं। और यार इन दोनों की पेटी बना देता हूँ। और यार यहाँ पे यार इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं कैसे भी करके मैनेज कर लिया, और यार कैसे तैसे बच जाता हूँ यहाँ पे। अब यार यहाँ पे आता हूँ तो यार पता चलता है कि भाई ऊपर कोई ना तो कोई है, क्योंकि यार आवाज़ें आ रही थी, फुटस्टेप आ रही थी, मतलब हिल रहा था वो बंदा, लेट के हिल रहा था, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं, और जैसे मैं रुकता हूँ भाई पता चल जाता है कि हाँ भाई कंफर्म है यहाँ पे एक बंदा है। तो यहाँ पे मैं एक नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन नेट से थोड़ा सा डैमेज होता है बंदा, लेकिन मरता नहीं है। तो यार मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ से नेट नहीं होगा, लेकिन अब मेरे को सामने जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई चलो उस वाले घर के पास जाते हैं और वहाँ से नेट कर ट्राई करेंगे, तो वहाँ से नेट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और देखना है भाई यहाँ पे जो नेट मारता हूँ ना भाई, उसके लिए तो एक लाइक तो कर देना यार। तो देखो यार नेट देखो तुम, भाई मैंने सोचा नहीं था कि ये वाली नेट कनेक्ट होगी, और भाई कनेक्ट हो जाती है। और यार उनको मारने के बाद से यार मैं सीधा जाता हूँ स्टेडियम पे, और जैसे स्टेडियम पे आता हूँ भाई यहाँ पे दो बंदे होते हैं, और देखो यार मेरे ऊपर ही फायरिंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। एंड जैसे उतरता हूँ भाई यहाँ पे बंदा मेरे ऊपर ही जंप कर देता है। अब देखो तो यार जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ, पता चलता है कि भाई ये तो क्वीन थी, तो अभी किंग बाकी हैं, तो क्वीन को तो मार दिया, अभी किंग बाकी है, तो किंग राजा अभी आने वाले हैं। तो पहले तो इनको पैन से मार देते हैं क्वीन को, तो क्वीन को हम लोग फिनिश कर देते हैं। अब भाई बारी थी किंग के, तो अब किंग आने वाला है, तो देखो यार किंग की क्या ही बताते हैं हम। तो यहाँ पे किंग भाई की भी पेटी बन जाती है, और यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों फिनिश हो जाते हैं। तो किंग क्वीन को फिनिश करने के बाद से मैं सीधा जाता हूँ अपार्टमेंट पे। एंड जैसे अपार्टमेंट पे पहुंचता हूँ भाई यहाँ पे बंदे होते हैं, तो देखो यार इनको भी कैसे निपटाते हैं हम लोग।
अब यार यहाँ पे आने के बाद से मेरे मैं सोचता हूँ कि भाई चलो एक नेड करते हैं, क्या पता लग जाए। तो एक नेड ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नेड लगता नहीं है, बंदा आ जाता है मेरे पास। तो यार इस बंदे को नॉक करता हूँ, है ना यार, इसका जो टीममेट होता है भाई अंदर की तरफ होता है मतलब। तो यहाँ पे आराम से यहाँ के मैं हिल लगाने लगता हूँ। अब यार यहाँ पे आके मैं आराम से हिल लगा रहा था, लेकिन यार इस जिसको मैंने नॉक कर रखा था वो बंदा मेरा लोकेशन बता रहा था अपने टीममेट को। तो इसको फिनिश कर देते हैं फटाक से, और यार इसको फिनिश करने के बाद से तुरंत रश कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे यार मेरे से बहुत ज़्यादा शॉट मिस हो जाता है, तो यार मैं भागते हुए इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके हिल लगाने लगता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 20 HP बचा हुआ था। तो यार हिल लगाने के बाद से मैं तुरंत रश कर देता हूँ इस बंदे के ऊपर, और जैसे मैं ऊपर जाता हूँ भाई ये बंदा पता नहीं किसी कमरे में जाके हिल लगा रहा था ये भी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तभी ये बंदा दिख जाता है मेरे को, ये भी मेरे ऊपर रश कर रहा था। अब देखो यार इसको कैसे निपटाते हैं हम। तो यार इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं हम लोग। अब यार देखो जोन कट गया था, और जोन कट रहा था और बंदे आए जा रहे थे, और यार यहाँ पे मेरा गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था ये बंदा। तो देखो तो यार इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन ये मेरा गाड़ी लेके भाग जाता है, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ कि कोई बंदा दिखता है जो मारेंगे। लेकिन यार यहाँ पे एक बात थी कि मेरे पास फ्लेयर गन था, तो मैं सोचता हूँ यार फ्लेयर गन का करूँ क्या। तो मैं सोचता हूँ चलो एक BRDM मंगाते हैं और लास्ट जोन में घुमाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ्लेयर गन चलाता हूँ, लेकिन यार लास्ट में फ्लेयर गन का मतलब BRDM आता ही नहीं है भाई। क्या सीन था, पता नहीं क्या सीन था यार, BRDM आता ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे ऊपर शॉट आने लगते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे एक स्मोक कर लेते हैं, नहीं तो यार यहाँ से भाई वो बंदा मेरे को इजीली टेक डाउन कर लेगा। तो मैं यहाँ पे आके लेट जाता हूँ और स्मोक में। तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आगे फायरिंग हो रही थी, तो मैं सोचता हूँ चलो आगे जाते हैं और देखते हैं कोई मिलता है तो मारेंगे। तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि सारे बंदे लेटे हुए थे, तो मैं भी यहाँ पे सांप बन जाता हूँ। और यार यहाँ पे रैंडम नेट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नेट लगता नहीं है। और यार यहाँ पे बंदा दिख जाता है मेरे को, तो यार इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा रेंगते हुए दिख गया था मेरे को। तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है सामने से दौड़ते हुए, और यार इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे रखा था। तभी एक बंदा और दिख जाता है इसका टीममेट, जिसको मैंने नॉक किया था, और यार इसको फिनिश कर देता हूँ। अब यार जोन एकदम से छोटा हो गया था, बंदे लेटे पड़े हुए थे और सभी के सभी सांप बने हुए थे। तो मैं यहाँ पे देख रहा था भाई कि कोई दिख जाए तो मैं नॉक कर दूंगा। तो मैं सोचता हूँ चलो पहले स्मोक कर लेते हैं, उसके बाद से आगे निकलेंगे, क्योंकि जोन थोड़ा सा आगे बन गया था। और यार यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि यार क्या पता भाई मर जाऊँ तो भाई ये पूरी गेम प्ले मेरा ख़राब हो जाएगी। तो जैसे तैसे यहाँ पे बच जाता हूँ मैं, और भाई थोड़ा सा रेंगते हुए आगे जाता हूँ। अब यार यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि मेरा BRDM आया कि नहीं आया, लेकिन BRDM आया ही नहीं था, क्या ही बोल सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, फिर लेट जाता हूँ। यार डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था लास्ट में। अब यार यहाँ पे मैं लेट के देख ही रहा था कि यहाँ पे एक मेरे को बंदा दिख जाता है। तो देखो और यार इन दोनों की पेटी बना देते हैं हम लोग। और यार जोन देखो किस तरह से भाग रहा है, मतलब कट गया था जोन, और डर लग रहा था कि भाई मैं अगर खड़े होकर जाऊंगा तो यार मेरे को फिनिश कर देंगे ये बंदे। लेकिन यार डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के आगे बढ़ जाता हूँ मैं। और जैसे माउंटेन ड्यू पी के आगे जाता हूँ भाई, यहाँ पे देखो लेट जाता हूँ यहाँ पे आके, और जैसे लेटता हूँ भाई मेरे को पता चलता है कि जोन में तो कोई है ही नहीं, सामने एक जोन से मर जाता है। देखो यहाँ पे सामने एक जोन से मरता है, तो मैं सोचता हूँ चलो एक फ्री फायर देते हैं, शायद तो वहाँ बंदा होगा, लेकिन होता नहीं है। एक बंदा जोन के बाहर हील कर रहा था और दिख जाता है वो भी, तो देखो उसको भी कैसे निपटाते हैं। तो यार इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं, और लास्ट में यार फाइनली चिकन डिनर हो जाता है। सो गाइस आज की ये वाली गेम प्ले आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड गाइस मेरा एक फ्रेंड का चैनल है जो कि वाइंस का वीडियो बनाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी वाइंस की वीडियो बनाता है। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड यार हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस गेम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी देना मत भूलना।